नमस्ते जी, आज हम आपको एक ऐसे ट्विन से मिलाएंगे, मनीषा और तनीषा, यहाँ रोहतक के पास बहादुरगढ़ के संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना, यहाँ पर NSS का कैंप लगा हुआ है स्टेट लेवल का। इसमें मेरे को भी बच्चों से मिलने का अवसर मिला, तो मैं देख रहा था इन्होंने मेरे को बड़ा अच्छा सा खाना खिलाया, तो खाना खाते होती है लाइन में लगे हुए, तो मैंने कहा भाई तुम भूखे भूखे से लग रहे हो, तो काफ़ी सारी बातें हुई, तो मेरा मन किया इन बच्चे लोगों से बात करें। आप मनीषा हैं और ये तनीषा है, कौन बड़ा है? मैं बड़ी हूँ। कितनी बड़ी है? मैं इससे बस 2 मिनट बड़ी है। वेरी गुड। तो आप, आपकी जो नेचर है वो भी सेम दोनों की है, मिलती जुलती है? जैसे कि मैं बहुत चंचल हूँ। अच्छा, ये इतनी चंचल नहीं है? अच्छा, जब तेरा मूड अच्छा होता है तब उसका भी होता है या ऐसा कुछ नहीं है? सर, ये नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या पहचान बना रखी है घर वालों ने दोनों में, मनीषा कौन सी है तनीषा कौन सी है? सर, हमें घर में चुन्नू मुन्नू बुलाते हैं। हाँ, तो चुन्नू मुन्नू को पहचानते कैसे? चुन्नू कौन है, मुन्नू कौन है? सर, मैं बहुत बोलती हूँ ना। अच्छा, पता लग जाता है ये बहुत बोलने वाली कौन है। वो चुन्नू है और जो कम बोलती है वो मुन्नू है। बढ़िया भाई, क्या क्या शौक है आपके? सर, मुझे क्या कहते हैं, सिविल सर्विस में जाना। अच्छा, सिविल सर्विस में जाना शौक होता है? आपका क्या शौक है? शौक मतलब डांस करना है। हाँ, ये मतलब डांस करने में मज़ा आता है। और आप पढ़ाई करना है? आपको पढ़ाई में क्या क्या पढ़ाई करते हो भाई? अब मैंने तो पहला बच्चा देखा जो ये कहता पढ़ाई में मज़ा आता है, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई से दुखी हो जाते हैं। सर, नॉलेज की किताब पढ़ना। अच्छा, वेरी गुड। कौन सा सब्जेक्ट है आपका सबसे बढ़िया? आपका क्या सब्जेक्ट है भाई? किस क्लास में हो रहे हो तुम? 11th में। इकोनॉमिक्स और क्या ले रखा है? हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। और आपके क्या है बेटा? सेम सेम सब्जेक्ट हुआ भैया, तो फिर घर वाले फिर कन्फ्यूज, ये किसने टेस्ट लिया, किसके नंबर आए, कैसे पता लगेगा है? टीचर भी ऐसा कुछ करते हैं, पता लग जाता है उनको? सर, मैम जैसे ही सर नाम लेते हैं ना तो फिर। अच्छा, खुद ही खड़े हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कसूर इसने किया और पिटाई दूसरे की हो गई हो? हाँ, ऐसा भी होता है, एक को नहला दिया था दूसरी को दोबारा नहला दिया और वो गड़बड़ कर गई है। तो ट्विन बन के आपको कैसा लगता है? कई बार दिक्कत भी आती है कहीं? कोई ऐसी बात बताओ जो हमें सुन के अच्छा लगे, कभी कोई ऐसा घटना हुई हो, कभी कोई ऐसी बात हुई हो? सर, ऐसे मतलब पेपर में हुआ था। अच्छा, ये शायद सर पेन वगैरह लाने भूल गई होंगी, तो इन्होंने सर से मांगा था। और सर आपको देके आके, और सर मेरे को देके आके बोल रहे हैं कि मैंने तो पेन दिया तो है। अच्छा अच्छा, फिर ये मांगने गए सर मुझे पेन दो। तब उनको पता लगा कि हम ट्विन्स हैं। कि तुम ट्विन्स हो? मेरे को भी तो ऐसा ही लगा कि मैंने देखा यार ये लड़की ये भी ऐसी दिख रही है, ये भी ऐसी दिख रही है। तो ट्विन का फायदा भी होता है कहीं, कई बार शरारत करते हैं तो दूसरे को पिटवा दो। हाँ सर, ये ऐसा भी होता है। कौन करवाता है? ये पिटवाती है, आप पिटवाते हैं? सर, इसको लर्न नहीं होता। अच्छा, ये तो गलत बात है भाई, ये ट्विन है तो इसको भी होना चाहिए। हाँ। ये तो गड़बड़ हो रही है भगवान की तरफ से। कोई ऐसी चीज़ बता जो इसको अच्छी आती है, आपको कमाती है। मैं बताऊँ, ये अच्छा डांस करती है, आप उतना अच्छा नहीं करते, क्योंकि इसका शौक है डांस करना है ना। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या प्लान है फ्यूचर में? पापा क्या करते हैं? पापा अभी तो ड्राइवर है। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, एम क्या रखा हुआ आपने? अभी तो IAS ऑफिसर सोचा था। ये तो इसका है, दोनों यही बन जाओगे? हाँ, वो तो बहुत सारी ब्रांच है उसमें, इतनी बनो, दोनों IAS बनो, अच्छी बात है, क्यों नहीं कर सकते। कितने बहन भाई हो? दो भाई। वो बड़ा है भाई? हाँ, बच्चा। वो पिटाई करता कभी कभी? हाँ, पहले करता था। बड़ा है, गलत बात है यार, बड़ा होके पिटाई करता, छोटा तो चलो गलती से पिटाई कर भी दे। चलो, मम्मी की कोई एक अच्छी सी बात बताओ। मम्मी में ऐसी कोई खास बात है जो औरों की मम्मियों में ना होती हो? सर, मम्मी कहते हैं, कितनी बार ऐसा कहते हैं यार ये दो पैदा हो गई, एक होती तो कम से कम दुखी करते हो जब ऐसा कहते हैं ना। हाँ, कहती रहती है, मतलब एक चीज नहीं, दो खरीदना पड़ता है। हाँ, खरीदने को छोड़ो, वैसे भी परेशान कर दो, सारे काम डबल करने पड़ते हैं, सारी चीजें, किताबें डबल, जूते डबल, सब कुछ डबल ना, और ऊपर से तुम परेशान करोगे तो और भी ज़्यादा। पापा की कोई ऐसी बात बताओ जो आपको पसंद नहीं है। अच्छी बात तो दुनिया भर की है, एक बात ऐसी भी होती है जो पसंद नहीं होती है। पापा कहते हैं कि पढ़ो, पढ़ते रहो दिन भर। अच्छा, सारा दिन को कैसे पढ़ेगा भाई? कि हम खेले ना, बस पढ़ो। खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी पढ़ना है ना। चलो, और आप स्कूल के बारे में कुछ बताओगे? आपका स्कूल जो है इसमें क्या खास बात है? कौन है, हु इज़ योर बेस्ट टीचर?
काफी सारे टीचर आते हैं ना सर? अभी 11th नहीं है। 11th से पहले टीचर नहीं होते? 11th से है सर। फिर टीचर तो शुरू से ही है, कोई भी टीचर जो आपको बहुत अच्छा। ही आए स्कूल में। अरे बेटा मैं इस स्कूल की बात नहीं कर रहा, वैसे बता दो अब तक आप 11वीं तक आ गए, 10 साल हो गए पढ़ते हमें, मुझे फालतू ही हो गए। कौन सा टीचर आपको सबसे बढ़िया लगा? राकेश सर अच्छे लगे आपके? मेरे भी राकेश। क्या खास बात है राकेश सर? राकेश सर ना हमें अपने बच्चों की तरह मानते हैं, मीठा बोलते हैं, प्यार से बात करते हैं और उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है। एक दूसरे टीचर्स में नहीं है ऐसा? सर दूसरे टीचर्स में नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि यार टीचर जो है उसको ये बात समझ में नहीं आती, बच्चों को ये बात समझ में आ रही कि टीचर का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए? ये बात जब बच्चे समझ रहे हैं तो टीचर को भी समझाना चाहिए ना। फिर भी कुछ टीचर ऐसे हैं जिनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता है ना, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई आपको टीचर बनाते हैं तो कैसा टीचर बनना चाहोगे, क्या जरूर होना चाहिए टीचर में? व्यवहार की बात तो हमने कर ली, वो टीचर में क्या खास बात होनी चाहिए? व्यवहार अच्छा हो, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करें, उनकी ज़्यादा डांट डपट ना करें, प्यार से भी वही बात समझाई जा सकती है। और अगर हमें ये दिया जाए कि भाई आपके जितने भी टीचर हैं उनमें कोई एक ऐसी कमी बताओ जो आप जब उस कमी को देखते हो तो बहुत दुख होता है, यानी या तो इनको टीचर नहीं बनना चाहिए था और बन भी गए थे तो हमारे पास ना आते थे, ऐसी कोई कमी बता सकते हो? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमारे स्कूल को टीचर लोग भी देखें और उन्हें ये पता लगे कि बच्चे क्या चाहते हैं, किस बात को वो पसंद नहीं करते। कोई ऐसी कमी या कोई ऐसी बात बता सकते हो जो टीचर में नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब बोलने में मतलब टीचर का बिहेवियर तो कुल मिलाकर बेस्ट होना ही चाहिए, चाहे वो अपने स्कूल का है चाहे दूसरे स्कूल का है, या फिर टीचर मत बनो भाई और कुछ बन जाओ, कम से कम हमारे बच्चों को तो ये लगना चाहिए ना टीचर, क्योंकि टीचर में जितने गुण भरे होंगे ना बच्चे सारे के सारे उस गुण को अपने आप सीख लेंगे, यानी वो उनका जी करेगा भाई मैं भी इसी तरह का इतना अच्छा टीचर बनूँ। और अगर टीचर में ऐसी चीज़ नहीं है तो ये लगेगा यार ये कहाँ से आ गया उनका। कुछ ऐसे टीचर होते हैं ना जिनका पीरियड हमें पूरा करना मुश्किल हो जाता है कि कब 40 मिनट हो इनसे पिंडा छोड़े। अच्छा जी बताओ मैडम अच्छी होती है या सर अच्छे होते हैं? मैडम अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें पॉलिटिशियन भी बनना चाहिए, इस तरह के जवाब दे रहे हो, दोनों अच्छे होते हैं, दोनों तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं होता, टीचर में तो कमियाँ भी हैं अच्छाइयाँ भी हैं। तो कई बार हमें लगता है भाई फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार से बहुत अपनत्व से बहुत बढ़िया तरह से कर सकती है, कई बार हमें लगता है कि भाई मेल टीचर हैं वो ज़्यादा केयरिंग होते हैं, वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो बेटियों से ज़्यादा लगाव रखते हैं, है ना, तो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किसी को कुछ पसंद आता है किसी को कुछ पसंद आता है। तो आजकल के बच्चों की कोई कमी बताओगे आप? आपकी जो सहेलियाँ हैं उनमें कुछ कमियाँ भी होंगी, कई लड़कियाँ बड़ी चुगली करती हैं, फालतू बातें करती हैं, तो आप कोई ऐसा सुझाव दे सकते हो कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए सर? मतलब दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, फालतू में किसी भी बिना बात की बात के ऊपर किसी की बात को फैला देना, जलन है तो मुंह पे भी बोलो, हाँ पीठ पीछे बुराई नहीं करना चाहिए, दोनों बात उनकी नहीं हो गई, मुंह पे बोलेंगे तो भी गड़बड़ है मुझे नहीं लगता, फिर वो वैसे भी हो जाएगी। बेटा आजकल तो क्या हालत है, सच भी आप किसी को बोल दोगे ना वो भी दुश्मन हो जाता है। मैं तो कहता हूँ अगर कोई ऐसी बात है तो क्या जरूरत है हमें उसके बीच में पड़ने की, है ना, अच्छी बात है उसकी प्रशंसा करें पूरी है तो ठीक है भाई, अपने बूते की हम क्या करेंगे, है ना। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपकी सबसे बढ़िया सहेली कौन सी है? सर सुहानी। सुहानी क्या खास बात है सुहानी में? सर सुहानी के साथ हमारे 10 साल से है। तो 10 साल से दोस्ती हो तो अच्छी होगी? तो सर वो अच्छी है। अच्छी है, हाँ। क्या अच्छी बात है, अच्छी बात बता दो। सर पढ़ाई में हमें हमारा साथ हेल्प करती है, हेल्प करती है। आपकी कौन है? सुहानी सर। कमाल हो गया, ये तो ट्विन का कमाल है, सही अभी इकट्ठी बना रहे हो, हैं फिर तो पापा को एक ही घर में शादी करनी पड़ेगी आपको, हैं ताकि दोनों की नेचर एक जैसी मिलती रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स को? आपके पेरेंट्स आपका कितना ध्यान रखते हैं, कितना केयरिंग करते हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे कि भाई हमारे जैसे बढ़िया पापा सबको मिले? बहुत बढ़िया। चलो भाई आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।